Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 5. How are you all? This is your science period and today we are going to study the remaining part of our chapter, life functions. But before starting it, first recite dua after me. Rabbi zidni ilma, O my Lord, increase my knowledge. Now students, open your books, page number 26. This is page number 26. Look at this one. Rafflesia is a parasite. It does not have green leaves and cannot make its own food. It lives off the food made by other plants. जी बेटा, Rafflesia एक parasite है. इसके green leaves नहीं होते, इसलिए ये अपना food नहीं बना सकती. इसलिए ये अपना food कहाँ से लेती है? दूसरे plant से लेती है. ये ऐसी जगह रहती है जहाँ और green plants होते हैं, ऐसी जगह पर होती है ये. और फिर अपना food उन plants से लेती है, उन प्लांट्स से शेयर करती है. क्योंकि पैरासाइट्स टू टाइप्स के होते हैं ना, यूजफुल एंड हार्मफुल. यूजफुल पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरों से अपनी कोई नीड पूरी कर रहे हों और उन्हें नुकसान ना पहुंचा रहे हों. और जो हार्मफुल पैरासाइट होते हैं वो ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरों से अपनी नीड पूरी कर रहे हों, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, लेकिन साथ साथ उन्हें नुकसान भी पहुँचा रहे हों. लुक एट दिस वन क्लास. आप एज यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस, ये आपकी रिमेम्बरेंस के लिए है. डू यू रिमेम्बर, क्या आपको याद है सम प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड? बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते. दे कैन बी कार्निवोर्स, एग्जाम्पल पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप. इनकी एग्जाम्पल्स में कार्निवोर्स आ रहे थे, कार्निवोर्स प्लांट्स. जैसे एग्जाम्पल्स में आपके पास पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है. ये वो प्लांट्स हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, तो ये फूड इनटेक करते हैं. इनकी बॉडी ऐसी डिज़ाइंड होती है. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, एग्जांपल्स रिफ्लेसिया जो हमने अभी अभी डिस्कस की. और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, जैसे मशरूम्स. तो ये ऐसी जगहों पे होंगे जहाँ दूसरे ग्रीन प्लांट्स होंगे ताकि ये अपना फूड उनसे हासिल करें. ये देखिए मशरूम, मशरूम्स आर डिकम्पोजर. ये देखिए पिचर प्लांट कैसे डिज़ाइन हुआ हुआ है. इनका ये माउथ है, ये ऊपर ट्रैप लगा हुआ होता है. इसमें जो भी इंसेक्ट या कोई और एनिमल अगर एंटर हो जाए, स्मॉल एनिमल, तो ये ऊपर से क्लोज हो जाता है पिचर प्लांट. और फिर उसके बाद वो अंदर जो भी इंसेक्ट हैं उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर एंजाइम्स. इसी तरीके से वीनस फ्लाई ट्रैप में ये लीव्स दोनों खुले हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट या स्पेशली फ्लाइज वगैरह आती हैं, स्टिक हो जाती हैं अंदर, और ये ऊपर से दोनों लीव्स क्लोज रहते हैं बुक की तरह. और इस तरीके से ये अपने कैच किए हुए प्रे को डाइजेस्ट कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर एंजाइम्स. व्हाट डू यू थिंक बेटा, आपका क्या ख्याल है, प्लांट्स को क्यों रिक्वायर होता है फूड, और प्लांट्स को क्यों चाहिए होता है फूड, और कब चाहिए होता है? वेरी गुड. प्लांट्स को फूड चाहिए होता है ताकि उन्हें एनर्जी मिले, और ये अपना फूड खुद बनाते हैं. और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए. तो फिर वो अपना फूड किस तरह से इनटेक करते हैं, ये भी आप लोगों ने देखा ऊपर. और जब प्लांट्स को नीड नहीं होती फूड की, तो फिर वो फूड प्रिपेयर नहीं करते अपने लिए. जब नीड होती है उन्हें, जब एनर्जी चाहिए होती है, और जैसे एनिमल्स हैं, जब उन्हें इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो फिर वो फूड बनाते हैं, अपना प्रे कैच करते हैं, फूड इनटेक करते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिले और उनका मेटाबॉलिज्म जो कि स्लो हो गया है वो वापस से फास्ट हो जाए, उनकी वर्किंग वापस इफेक्टिव हो जाए. ये देखिए बेटा कॉन्सेप्ट चेक. यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट चेक गिवन है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी. How do the following living things get their energy? जी बेटा, सारी living things को energy चाहिए होती है. अब आपको यहाँ पे 4 options दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये अपनी energy कैसे लेते हैं. So come to number A, antlion. जी बेटा, antlion कैसे energy find out करता है, कैसे energy लेगा ये? जी ये क्या करते हैं, ये ants को take in करके, ये ants को खा कर energy लेते हैं. रफ्लेसिया, जी बेटा ये प्लांट कैसे एनर्जी लेता है? जी ये खुद तो फूड नहीं बना सकता, तो एनर्जी कैसे लेगा? इसीलिए फिर ये प्लांट दूसरे प्लांट से एनर्जी लेता है, दूसरे प्लांट से फूड लेकर एनर्जी लेता है. नंबर सी, एप्पल ट्री. व्हाट डू यू थिंक बेटा, एप्पल ट्री? जी एप्पल ट्री के पास तो ग्रीन लीव्स होते हैं, तो ये अपना फूड खुद बनाता है और एनर्जी ले लेता है फिर इस तरीके से. व्हाट अबाउट शार्क? जी बेटा, शार्क भी अपना फूड खुद तो नहीं बना सकती लाइक प्लांट्स, लेकिन ये प्रे करती है स्मॉल फिशेस को. जी स्मॉल फिशेस ये कंज्यूम कर लेती है, खाती है, और फिर उसके बाद इसे एनर्जी मिल जाती है. नाउ कम टू पेज नंबर 27.
इट्स क्वेश्चन नंबर 27, रेस्पिरेशन. जी बेटा, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकती ऑक्सीजन के बगैर. बोथ प्लांट्स और एनिमल्स ऑक्सीजन टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं अपनी बॉडी से. दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. दे आर टेकिंग इन ऑन ऑफ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. सारे एनिमल्स डिफरेंट तरीके से रेस्पायर करते हैं. मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स ब्रीथ करते हैं अपनी नोज से या फिर नॉस्ट्रल से. एयर को इनहेल कर लेते हैं अपनी नोज और नॉस्ट्रल से, लंग्स में एयर को इनहेल कर लेते हैं. उसके बाद जो ऑक्सीजन होती है एयर में वो एब्जॉर्ब जाती है उनकी ब्लड में और फिर वो ब्लड कैरी करता हुआ ले जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ऑक्सीजन को. और जो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है वो एक्सहेल हो जाती है बॉडी से. जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, नोज होती है, इसे एक्सहेल कर देते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड को. इंसेक्ट्स के पास तो नॉस्ट्रल्स और नोज नहीं होती, उनके पास लंग्स भी नहीं होते. तो फिर वो किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं? वो रेस्पिरेशन करते हैं टाइनी होल्स से जो उनकी बॉडी की साइडवेज होते हैं. ये देखिए यहाँ पे टाइनी होल्स हैं, इनको स्पायरिकल्स कहते हैं. ऑक्सीजन एंटर होती है बॉडी में इन स्पायरिकल्स से और फिर उसके बाद नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होती हैं वहाँ चली जाती है और फिर ये ऑक्सीजन को टेक इन कर लेते हैं जो इन्हें रिक्वायर होती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं अपनी बॉडी से इन होल्स के थ्रू, स्पायरिकल्स के थ्रू. वाटर में डिजॉल्व गैसेस होती हैं. तो जितने भी वाटर लिविंग एनिमल्स हैं जैसे फिश, प्रॉन, क्रैब्स, टैडपोल्स, ये सब ब्रीथ करते हैं थ्रू गिल्स. वाटर में मिक्स डिजॉल्व गैसेस होती हैं ना, तो क्या होता है ये एनिमल्स वाटर टेक इन कर लेते हैं अपने माउथ से अंदर और फिर गिल्स से वाटर बाहर निकल जाता है. जो ऑक्सीजन होती है ना वाटर में वो उनके गिल्स में एब्जॉर्ब जाती है ब्लड के अंदर. बाकी जो एक्सेस वे वाटर होता है वो निकाल देते हैं ये लोग अपने गिल्स से. फिशेस के पास नॉस्ट्रल्स होते हैं लेकिन वो उन नॉस्ट्रल्स से ब्रीथ नहीं करती बल्कि स्मेल करती है, इसीलिए होते हैं इसके पास नॉस्ट्रल्स. एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस, लीव्स कैसे ब्रीथ करते हैं? वेरी गुड, लीव्स ब्रीथ करते हैं बाय द हेल्प ऑफ टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा. ये स्टोमेटा अपर और डाउनवर्ड सरफेस पे होते हैं लीव की और इन स्मॉल होल से एयर और वाटर पास हो सकता है. ये देखिए यहाँ पर टाइनी होल्स होते हैं, यहाँ पर आपको जूम करके दिखाया हुआ है, ये टाइनी होल को जूम करके दिखाया हुआ है, ऐसा होता है स्टोमेटा. ये देखिए कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाटर में अपनी स्किन से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं. ऐसे एनिमल्स में अर्थवर्म भी है और ये देखिए फ्रॉग भी है, इनकी मॉइस्ट स्किन होती है, ये लोग अपनी स्किन से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं. नाउ क्लास 5 टर्न योर पेज, कम टू पेज नंबर 28. वेस्ट, क्या होता है वेस्ट? सारी लिविंग थिंग्स फूड इनटेक करती हैं, कुछ फूड जो नीडेड होता है वो बॉडी यूज़ कर लेती है, यूटिलाइज़ कर लेती है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बॉडी यूटिलाइज़ नहीं करती, जो नीडेड नहीं होता वो पास आउट हो जाता है बॉडी से एज अ वेस्ट. वेस्ट सॉलिड भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है. कुछ ऐसी गैसेस भी होती हैं जो हमारी बॉडी को नीड नहीं होती उनकी. कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो हमारी बॉडी को नहीं रिक्वायर होती. फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी को नहीं रिक्वायर होती है, टॉक्सिक होती है, तो ये एक्सहेल कर देती है हमारी बॉडी बाय द हेल्प ऑफ नोज से. हम एक्सहेल कर देते हैं इस वेस्ट एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड को. ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी रिमूव करे वेस्ट को ब्लड टिश्यूज और ऑर्गन से, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन. सेंसिटिविटी, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी सेंसेस सेम होती हैं ह्यूमंस की तरह. उनकी नोज होती है स्मेल करने के लिए, उनके पास आइज होती हैं देखने के लिए, एयर्स होते हैं सुनने के लिए और टंग होती है टेस्ट करने के लिए. और वो अपनी स्किन से फील कर लेते हैं थिंग्स अपने अराउंड, थिंग्स अपनी सराउंडिंग में. लेकिन कुछ ऐसी क्रिएचर्स हैं जिनके पास फील करने के लिए, सेंस करने के लिए स्पेशल बॉडी पार्ट्स हैं. जैसे इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के पास फीलर्स होते हैं या फिर हम उन्हें कहते हैं एंटीनी, सिंगुलर होते हैं एंटीना. ये देखिए इंसेक्ट है कॉकरोच, इसके देखिए फीलर्स जिसे हम एंटीनी कह रहे हैं इसके पास होते हैं. कुछ एंट्स के पास भी होते हैं. इन फीलर्स की वजह से, इन फीलर्स की हेल्प से ये इंसेक्ट्स सेंस कर लेते हैं अपनी सराउंडिंग में. फ्लाइज जो हमारे सरों पर उड़ती हैं वो टेस्ट करती हैं अपने फीट से. कितनी इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग तो अपनी टंग से टेस्ट करते हैं लेकिन जो फ्लाइज हैं वो अपने फीट से टेस्ट करती हैं.
स्नेक्स की बहुत लॉन्ग टंग होती है और ये इन टंग्स से केमिकल पार्टिकल्स जो एयर में केमिकल होते हैं ये उन्हें पिक कर लेते हैं अपनी टंग से, अपनी लॉन्ग टंग से, ये देखिए। और इनके हेड में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो रिएक्ट करता है डिफरेंट सेंट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि डिफरेंट स्मेल्स के अकॉर्डिंग, और ये उसी की हेल्प से अपने प्रे को ट्रेल करते हैं, अपने प्रे को, अपने शिकार को चेस करते हैं उसकी हेल्प से। ये देखिए बेटा आप आपको और टू पिक्चर्स गिवन है, ये देखिए ज़ेब्रा गिवन है। ज़ेब्रा सेंसेस का कॉम्बिनेशन यूज़ करता है जिसमें साइट है, हियरिंग है और स्मेल है, जो इसको वार्न करती है, बताती है कि लाइन नियर बाय है या नहीं। इस तरीके से स्पाइडर, यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है स्पाइडर की, स्पाइडर के हेयरी लेग्स होते हैं और ये हेयरी लेग्स पिक करते हैं मूवमेंट्स को जब भी कोई स्मॉल इंसेक्ट्स इसके वेब में स्टेक हो जाते हैं, जब इनका वेब कैच कर लेता है कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स को, तो इसके हेयरी लेग्स को मूवमेंट, जी इसके हेयरी लेग्स वो मूवमेंट पिक कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये जाके अपना फूड कैच कर लेती है, इनटेक कर लेती है। सो स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड पेज नंबर 26 till 28, यू हैव टू रीड दैम थरली। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।